नमस्कार, आज आमच्या वांगडा आसा दिपा वर्मा, जेणी गोवाक केरलान रिप्रेजेंट केल्लो नॅशनल क्लासीक पावरलिफ्टींग चॅम्पियनशिपान. तेंच्यांनी गोंया खातीर 2 मॅडल्स जिखून हाडलेले आसा. आज ते आमच्या वांगडा आसा, आमी तेंच्या वांगडा भाशाभास करया, तेंचे जे चॅलेंजीस आसले, तेंचे जे एक्सपिरियन्स आसले ते आमी जाणून घेऊया. नमस्कार मैम. नमस्कार. तो आप जब गोवा को रिप्रेजेंट करने के लिए केरला में गए थे, आपने 2 मेडल भी जीता, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो, आपका एक्सपीरियंस वगैरह? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और दिल से बहुत ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं, जन्म मेरा गोवा में नहीं है, मैं हूँ राजस्थानी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, और गोवा को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. और बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैं 18 सालों से गोवा में हूँ और आज मैं कुछ अपने स्टेट के लिए ला पा रही हूँ, 2 ब्रॉन्ज मेडल. आगे जाके और कॉम्पिटिशन्स में ज्वाइन करने की आशा है और कोशिश भी है काफ़ी, देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं. जैसे आपने कहा कि आप नॉन गोवन हो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप राजस्थान में है, तो राजस्थान में नहीं, मतलब आसाम में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो आप जब गोवा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जब एक स्टेट जब जहाँ पे आपकी बॉर्न भी नहीं है, ब्रॉट अप भी नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बस ये नेशनल इंटीग्रेशन की तरह है, जैसे अगर हम इंडियन है तो हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं इंडिया में. और हमारे इंडिया में तो विभिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं, और सबसे अच्छी बात है हम लोग कहीं भी कितना सेफ है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. आज मैं 18 साल से गोवा में हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है गोवा मेरा नहीं है, अभी तो मैं पूरी गोवन ही फील करती हूँ. आई फील सो मच लाइक गोवन, और आगे चल के भी गोवा के लिए रिप्रेजेंट करके गोवा को काफ़ी और लॉरल्स लाने की कोशिश रहेगी. जब आप केरला में गए थे चैंपियनशिप के लिए, जब वो नेशनल जब चैंपियनशिप रहता है, तब सिर्फ एक स्टेट के नहीं, बाकी सारे दुनिया देश भर के लोग वहाँ पे होते हैं, तो जब चैलेंजर्स दिखते हो सामने, जो कुछ दिखने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगते हैं, तो उनके साथ कंपटीशन करना, तो आपको उसमें चैलेंजेस कैसे? अब पहला तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहले तो मैंने कभी भी नेशनल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, और मैंने सोचा भी नहीं था. मैंने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, बट नेशनल्स क्या होता है, यहाँ पे हज़ारों में महारथी थे, अलग अलग प्रांत से आए थे, अलग अलग स्टेट के, मतलब एक एक कैसे महारथी थे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी. पहले तो देखते ही बहुत डर सा भी लगा, बट मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, और बस दिया, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं. आई हैड टू गिव माई 100%, और बहुत खुशी हुई कि मैं आज टॉप 4th में हूँ और 2 ब्रॉन्ज मेडल ला पाई. आपने कहा कि जब स्टेट, आपका फर्स्ट टाइम है नेशनल चैंपियनशिप, इतने पहले से आप तो सिर्फ स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब ऐसा कोई चैंपियनशिप होता है, जब पहले बार आप नेशनल्स में जाते हो, जब स्टेट के चैंपियनशिप आप देख लेते हो, नेशनल के चैंपियंस देख लेते हो, तो आपको जो डिफरेंस महसूस होता है, जो स्टेट लेवल में होती है और नेशनल लेवल में होती है, तो वो कैसा रहता है? स्टेट लेवल में हम हमारे गोवा के ही महारथी को देखते हैं और लगता है कि ये बस यही एंड है, मतलब यही, मतलब ऑल इन ऑल है. बट जब आप वहाँ जाएंगे ना, तब आपको वो लेवल पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है. हमारे गोवा के महारथियों को कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है उस लेवल तक भी पहुंचने के लिए. आपको बहुत बहुत अच्छे कोच, टेक्निक्स, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, जो हमारे गोवा में ये थोड़ा लैक करता है. मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में है और बाकी जगहों से लोग आ रहे हैं, उन लोग का जो लेवल है वो जानते हुए हमें लगता है कि हमें भी पावर लिफ्टिंग को प्रोत्साहित, बहुत सारा प्रोत्साहन करना चाहिए. हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे कोचेस मिलने चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए सही तरीके से, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव मैटर भी है, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट का डाइट, एक पार्टिसिपेंट का वहाँ पर खेलना, और ये थोड़ा मेडिकल प्रोन भी है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी काफ़ी हो जाते हैं. बट मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और हायर की लेवल में और ज़्यादा लेवल की प्रैक्टिस ज़रूरत है, और डाइट में भी बहुत ध्यान देना है. और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत लोग यहाँ पे करने की इच्छा रखते हैं, कोशिश भी करते हैं, बट कहीं जाके फंड लैकिंग की कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो फंडिंग इज़ मस्ट फ्रॉम आर गवर्नमेंट. हमारे गवर्नमेंट को, जो भी हमारे स्टेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं या हमारे प्लेयर्स को, एक नॉमिनल फंडिंग, कुछ एक हेल्प की तरीके से उनको मिलना ही चाहिए.
जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत सबको होती है, जैसे पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ देखा जाए तो गवर्नमेंट उतना फोकस भी नहीं करता है, और ना ही उनके लिए कोई इक्विपमेंट्स बोले या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फिर जो डॉक्टर्स चाहिए होते, डाइटिशियन चाहिए होते, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो उस जब दूसरे स्टेट को देखेंगे तो उनके पास वो सब फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो उनके फैसिलिटी में और गोवा के फैसिलिटी में क्या लैग बिहाइंड कर रहे हैं? यही लैग बिहाइंड है, मैं तो यही कहूँगी कि अभी इतने सालों तक जो हुआ सो हुआ। अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावड़े जी हैं और उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एंथुजियास्टिक से लगे, और वो बहुत हमें बोले भी हैं कि उनका सपोर्ट 100% रहेगा। अभी देखते हैं आगे चल के वो हमारे लिए क्या करते हैं, और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा हमारे को तो हम काफ़ी सारे और लॉरल्स गोवा के लिए ला सकते हैं। हमारे गोवा में भी बहुत अच्छे अच्छे महारथी हैं जिनको और थोड़े डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और वो उनके लेवल वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग हैं हमारी तरह ही, वो जो चीज़ कर रहे हैं अपने इस लेवल में आने के लिए, हमारे भी यहाँ से हम लोग भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस और डाइट और ये अच्छा फोकस करते रहें, और हमारे को अगर अच्छे ट्रेनर्स मिले, हमारे को अच्छे कोच मिले उस लेवल के, कभी आके हमें कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताएं तो इट्स वेरी नाइस। मैम, आप रहे थे पहले एक टीचिंग फील्ड में, जी आप टीचर थे जब बच्चों को पढ़ाते थे, तो उसमें ट्रांसफॉर्म आपने पावर लिफ्टिंग में किया, तो उस ट्रांसफॉर्म के बारे में बताएं। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे। मैंने 13 साल स्कूल्स में पढ़ाए हैं, मेरा लास्ट टीचिंग था बाम्बोली मामी स्कूल में, वहाँ पढ़ाई मैं काफ़ी सारे साल, आई थिंक 5-6 ईयर्स मैंने वहाँ पढ़ाया, और शारदा मंदिर में भी मैंने पढ़ाया था इनिशियली जब मैं गोवा आई थी। तो ये तो था ही, बट क्या हुआ कि ये टीचर के नौकरी के दौरान मेरे बच्चे भी काफ़ी छोटे थे, तो मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। एक तो मैक्सिमम टीचर्स लोग को, मेरा ही नहीं और भी बहुत सारे टीचर्स लोग को स्पॉन्डिलाइटिस का शिकायत ज़रूर होगा, बैक पेन की शिकायत होती है, और टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो मैं एक बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थी, और इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए मुझे कि मैं और अपना हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर ग्रांटेड नहीं ले पा रही थी, मतलब आई डिडंट वांटेड टू टेक माय हेल्थ जस्ट ग्रांटेड एंड जस्ट गो ऑन फॉर दैट। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नौकरी क्विट करने का टाइम आ गया, क्योंकि मेरे हेल्थ में हावी हो रहा था, तो मैंने बस जिम ज्वाइन किया। क्या मालूम थोड़े मेरे डॉक्टर ने भी कहा था कि दीपा मसल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, जो गर्दन के मसल है खाली कॉलर लगाने से ही नहीं होगा, ये टेम्पररी सपोर्ट है, आपको एक्सरसाइज योगा जो भी आप करते हो उसमें ज़रूरत है। तो आई हिट द जिम, और जिमिंग करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जैसे ही मुझे अच्छा लगता गया मैंने इंस्ट्रक्शन का कोर्स भी किया, न्यूट्रिशन का भी किया, और मेरे पार्टनर जो है, आप उनको पार्टनर बोल सकते हो, या आज वो मेरे खास कोच है, उन्होंने ही मुझे ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी, नामवन सावंत। तो आज सावंत के साथ मिलकर हमने जिम खोला, हम दोनों ने अभी 2 जिम है हमारे, एक सावंत का एक मेरा है, हम लोग अच्छी तरह चला रहे हैं। सो इनिशियली आपने स्टार्ट किया था कि फिटनेस रखने के लिए, बाद में आपने वो नेशनल लेवल पे जाके चैंपियनशिप भी मेडल लेके, तो फिर वो एक फिटनेस से स्पोर्ट्स में एंट्री करना या फिर नेशनल लेवल में जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करना, ऐसा तो सब ने जैसे देखा जाए तो सब लोग फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं या फिर वॉकिंग कीजिए, लेकिन वो स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करके नेशनल लेवल पर जाके ब्रॉन्ज मेडल लाना, वो किस चीज़ की वजह से? नहीं, पहले मेरा ऐसा सोच नहीं था, बट जैसे मैंने सीएम ट्रॉफी के दौरान भी देखा था, बहुत सारी फीमेल्स वहाँ पे पार्ट ले रही थी, बहुत लड़कियाँ थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनको करते हुए देख, उनको देखकर रियलाइज़ हुआ वो लोग भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, मैं भी वेट ट्रेनिंग करती हूँ, तो वो लोग अगर कर सक रहे हैं तो मैं क्यों नहीं सकूँगी। तो जब से वो देखा तो मुझे भी ये प्रेरणा, एक मेरी फ्रेंड है रजीना जो वो भी पावर लिफ्टर है, तो उसको देखकर मुझे अच्छा लगा। फिर एक और है हमारे यहाँ जो डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है पार्कर, उसको उसका फुल नेम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, करिश्मा पार्कर, वो भी बॉडी बिल्डिंग में है, तो अलग अलग
फील्ड में है, बट अगर लड़कियां औरतें कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, यही मेरे ध्यान में आया तो मैंने भी ज्वाइन किया। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी हमारे गोवा के सुपर बॉडी पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन से मिला, तो सर्वेश से कांटेक्ट हुआ, तो सर्वेश ने मुझे बोला कि आप सेलेक्टेड हो, मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया। एंड सिंस दैट डे आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड थैंक यू सो मच, आई थैंक देम ऑल, ये पूरे टीम को मैं अपनी तरफ से थैंक्स देती हूँ। हमारे प्रसाद जी हैं और इसमें सेक्रेटरी और सर्वेश हैं और प्रिंस हैं, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया और मैं गोवा रिप्रेजेंट कर पाई, बहुत खुशी हुई। लोगों को स्पोर्ट्स करते देख या फिर उन्हें एक एक्सरसाइज करते हुए देख के मोटिवेट होना, और जब खुद के बारे में सोचा जाए तो आप तो चार बच्चों की माँ भी हो, एजेड भी हो, तो वो डेडिकेशन चाहिए होता है। जब सर्टन एज पे आप पहुँच जाते हैं तब अपने पास वो डेडिकेशन नहीं रहता, आपको लगता है कि अब अरे एज हो गई है, अब इस उम्र में हम क्या कर सकते हो, तो उस चीज़ को आपने किस तरह से चलिए। हम अगर सोचें कि एज हो गया है तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, और मेरे को लगता है एज इज़ जस्ट अ नंबर, क्योंकि मेरे से बहुत उम्रदार औरतें वहाँ पार्ट ली है, 72 इयर्स की लेडी है, उसने भी गोल्ड मेडल जीता है मास्टर्स 4 कैटेगरी में, वो जैसा प्रेजेंट करी है हम तो उसके कहीं आजू बाजू भी नहीं, अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती। और हर किसी को बोलती हूँ मैं कि फिटनेस जहाँ बात आती है, फिटनेस शुड बी अ लाइफस्टाइल और कोई एज बार नहीं है इसमें, सब लोग फिटनेस रखना बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स को दूर रखना अच्छा है, जितना हो सकता है आप अच्छे एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि गोवा में जो स्पोर्ट्स ज़्यादातर लगते हैं, गोवा में हम हमारे देश के बारे में कह सकते हैं, जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो लोगों को लगता है कि लड़का और लड़की, जब लड़की कोई ऐसे पावर लिफ्टिंग या फिर जो वेट के कैटेगरीज होते उस स्पोर्ट्स में जब एंट्री करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये एक लड़के या फिर औरत है, ये क्या उठा सकेगी, मतलब ये हैवी वेट काम क्या कर सकेगी, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? जी ये आपका बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि ऐसे कुछ कमेंट्स मुझे भी मिले थे, मैडम आप ये नहीं सकोगे, थोड़ा सा एज फैक्टर भी है ना, इतना वेट पॉसिबल नहीं होगा शायद, और कुछ लोग देखकर कमेंट्स भी करते थे, बट ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, आप कितना लोगे या आप कितना छोड़ दोगे। आप अगर वो चीज़ें अपने ऊपर हावी करते हो या एक्सेप्ट करते हो, आपका रिएक्शन मैटर करता है इसमें, आपको जो करना है आप करते रहो, दुनिया का काम ही है बोलना, वो लोग बोलते रहेंगे कुछ भी बोले, अगर आप इसमें प्रूफ करते हो दे गेट देयर आंसर, आपको उनको बैक आंसर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम में यू नो डेडिकेट करके उनको आप आंसर दे सकते हैं। आज मैंने अपना जैसे फिटनेस के तरफ डेडिकेशन देकर मैंने अगर सबको आंसर किया है उनके क्वेश्चन का, जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया था या कमेंट पास किया था, होता है ना, और उनके लिए ही आज मैं यहाँ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। आप कह रहे हैं कि लोग जो बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलने का काम करते हैं, लोग कहते हैं करने देने, लेकिन जब एक सपोर्ट चाहिए होता है नेशनल लेवल पे, एक ब्रॉन्ज मेडल लाना है, फिर मेडल लाना है, फिर रिप्रेजेंट करने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फैमिली समझे या फिर आपके जो पार्टनर रहेंगे या फिर आपके बच्चे रहेंगे, उस सपोर्ट को आपको कैसे? हाँ, सपोर्ट तो मुझे मेरे टीम मेंबर से मिला, मेरे जिम में जो हमारा पावर लिफ्टिंग टीम है जिन्होंने सीएम ट्रॉफी में भी ज्वाइन किया था, उन सबका सपोर्ट था, मेरी फ्रेंड्स का सपोर्ट था, मेरे बच्चों का खास सपोर्ट था, मेरी माँ का सपोर्ट था, इन सबका सपोर्ट था मेरे साथ, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे बच्चे मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। तो आज जब आप दो मेडल जीत के लाए नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल, तो आपका प्राउड जो मोमेंट होता है या फिर जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग के बारे में कुछ बता सको तो? ये अनएक्सप्लेनेबल है, एक तो मुझे उस समय ध्यान भी नहीं था कि मुझे मिलेगा भी, मैं रिलैक्स बैठी थी जब मेरा नाम अनाउंस किया मैं ऑडियंस में से, फिर भी अरे ये सच में मेरा ही नाम है, और जब अनाउंस करे मैं दौड़ के गई, और फिर दोबारा उन्होंने अनाउंस किया तो और मज़ा आ गया। चलो मैं गोवा की हूँ और मैंने गोवा के लिए दो मेडल्स लाए और बहुत अच्छा लगा मुझे, इससे ज़्यादा खुशी और कोई चीज़ में नहीं है। जैसे दीपा वर्मन जे नेशनल लेवल रिप्रेजेंट के लिए त्यांच्या फाटल्यान त्यांचा एक असोसिएशन असा जो गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग असोसिएशन असा, त्यांचा सपोर्ट, त्यांचं ट्रेनिंग, त्यांची फेसिलिटीजा वांगडा त्यांचे सपोर्ट घेऊन ते थंय पावले असा, सो आम्ही त्यांच्याकडसूनच जाणून घेऊया की त्यांचे किती एक्सपिरियन्स आले ज्यांना दीपा वर्मा ते ट्रेनिंग देताले किंवा मोटिवेट करताले। माझे नाव प्रसाद नाईक,
जनरल सेक्रेटरी गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन। जेन्ना तुमी का दीपा वर्मा तुमी पयले किंवा तुमकां कशें दिसलें की तेणी ते वचून ते जिखो शकता हे तुमकां केन्ना कळ्ळें? न्ही जेन्ना ते सिलेक्शन ट्रायलाक पावले पळय तेजे आमी ट्रायल घेतले पळय तेजो जो वेट आशिल्लो आनी ते मास्टर कॅटेगरी वनान पडटाले, नॉर्मली ते सिनियरान पडना मास्टर वनान पडटा, सो तेजो तो वेट जे लिफ्ट करताले साम कॉन्फिडंट आशिल्ले ते प्लेस काडटले म्हणून तेणें टफ फायट दिल्लोय सुद्दां। ओवरऑल ते 2.5 kg मातशे फाटी उरले, 2.5 kg समज तेणें मातसो आनी जोर घातिल्लो न्हू जाल्यार ताका ओवरऑल आनीक ब्रॉन्ज मॅडल मेळटालो, टोटल 3 medals मेळटाले आमकां तेजे हातून। पूण जेन्ना असो स्पोर्ट्स येता तेन्ना जो एज फॅक्टर सुद्दां मॅटर करता की बस सर्टेन एजी जाले कोण ती स्टॅमिना म्हणिना किंवा तो पावर आसना, पूण जेन्ना हेंची एज पळयत जाल्यार तुमकां दिसलें की बाबा हे त्या एजीन रावन सुद्दां त्या लेवलाचे ते कॉम्पिटिशन दिवं शकता म्हणून? न्ही आमचे पावर लिफ्टीन तशी एज लिमीट अशी कांय ना, तूं एटलीस्ट 70+ जालो जाल्यार तूं करूं शकता, तितून आमची कॅटेगरी आसता, पयली आसता सब जुनियर, मागीर जुनियर, मागीर सिनियर, मागीर मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3, मास्टर 4। मास्टर 1 म्हळ्यार अबाव 40, मागीर ते 10 गियर्स ब्रेक करून मास्टर 1, 2, 3, 4 तशें आसता। हेतून पळोवपाक गेल्यार फिटनस कसो दवरता तेजेर डिपेंड आसा, समज तूं सारको प्रोपर ट्रेनींग आनी प्रोपर टॅक्नीक, हांगा कितें आसता लिफ्ट कोणूय करूं शकता, समज प्रोपर टॅक्नीक आनी प्रोपर फॉर्म घेवन करना न्हू तूं इंजरी जाता मागीर फाटी उरता, एक इंजरी जालो मागीर तुजे फाटी बॅक तुटलें आनी कितें तुटलें म्हणटा तूं उरलो फुडें वचूं शकना। तुमचें नांव? सर्वेश गावडणकर, ट्रेजरर ऑफ द असोसिएशन। जेन्ना तुमी एक असोसिएशन चलयता, असोसिएशन खूब भुरगीं येतात तांकां सपोर्ट करपा खातीर तुमकां एक फंड जाय पडटा, इक्विपमेंट जाय पडटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा, तो तुमी कशें पळयता? आमी जायते मिनिस्टरा कडेन फंड्स मागपाक लागून वयता, जे वेल विशर्स आसता आमचे तेय फंड करतात। टील ना आमकां गोवोरमेंटा कडेन आमी खूब एप्लाय केलां पूण कांय ना कारणा कारण गोवोरमेंट आमकां फंड करपाक पावना, सो प्लेयर्सूय खुबदां म्हणटा आमी आमचे मॅडल विनर्स खूब जाणां, सो तेंचे कॅश अवॉर्ड्स आसता हें आसता तेय आमी सरकारा कडेन मागलां की आमकां खूब हॅल्प करा म्हणून, सो सीएमान आमकां आश्वासनूय दिलां ह्या वर्सा आमकां हॅल्प करतले, आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमचो गोविंद गावडे तेणेंय आमकां आश्वासन दिलां ह्या वर्सा फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून। तुमचो असोसिएशन आसा जो नॅशनल लेवलाक जे नॅशनल गेम्स जावपा आसात थंय पार्टिसिपेट करूं शकता? ना, आमचे पावर लिफ्टींग इंडिया इंटरनॅशनल गेम्स जाता, नॅशनल्स जाता, तितून पावर लिफ्टींग करपाक शकता। जे आतां येणारे गेम्स आसतले जे तुमी रिप्रेजेंट करूं शकता तेज्या खातीर अशे जे स्पोर्ट्स पर्सन आसा किंवा स्पोर्ट्स वुमन आसा तांकां त्या लेवलीचेर कॉम्पिटिशन दिवपा खातीर तुमकां खंय गोवोरमेंटा कडसून कितें सपोर्टाचो गरज आसतलो आनी जे लोकां कडसुनूय जाय तेजे कितें? पावर लिफ्टींग फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ वेरी एक्सपेन्सीव गेम, सो आमकां फंड्सूच जाय पडटा की भुरग्यांक मोटिवेट करपाक, कित्याक एक खंयचोय भुरगो वयर सरतलो जाल्यार ताका पावर लिफ्टींग करतलोच जाल्यार ताका खूब फंड लागता, सो तो आमी गोवोरमेंटा कडल्यान मागता आनी कांय ना। इक्विपमेंट्स म्हणिना किंवां इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणिना तो आसा गोव्यान की ताजी गरज आसा कशी दिसता तुमकां? एज पर नाव गोंयान आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पूण थोडे थोडे इक्विपमेंट ना ते आमकां मागचे पडटा गोवोरमेंटा कडेन। अपकमिंग तुमचे जे फ्युचर्स आसतले किंवां फ्युचर प्लॅन्स आसा किंवां गेम्स येवपाक आसा नॅशनल त्या टायपा तेजे कितें प्लॅन्स आसा? आतां आमचे कितें जाले, आतां 2021 आमी सिनियर नॅशनल घेतिल्लो गोंयान एज अ बँच प्रेसाचो ऑल एज कॅटेगरीज, सो तेतून आमचे टोटल 16 medals विनर्स आसात आनी प्लस आतां आमी गेल्ले ते केरला थंय सुद्दां आमचे मॅडल विनर्स आसा, आनी जितले मॅडल्स विनर्स आसा त्या फुडें इंटरनॅशनल ट्रायल्स जातले, त्या ट्रायलाक तांकां सिलेक्शन मेळपाचे खूब चान्सीस आसा, ते चान्सीस जाय जाल्यार तांकां आतांच्यान तयारी करची पडटली, ते तयारी करपाक डायट लागता मेन एक्सपेन्सीव म्हणल्यार तुका डायट जाय प्लस तुका तसलो कोच जाय तसलो तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय म्हणल्यार इक्विपमेंट जाय, फक्त पावर लिफ्टींग लिफ्टींग इक्विपमेंट जालें म्हणना तुका सायड एक्सरसायज करपाक तुका इक्विपमेंट जाय पडटा, सो तशें आमी गोवोरमेंटा कडेन विचारिल्लें आसा आनी आतां आमचो जो मिनिस्टर आसा श्री गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेणें खुबूय आमकां सपोर्ट दिता म्हूण सांगलां, पळय आतां कशें वयता ते फुडें। मॅम गोवा को प्राउड मोमेंट फील करा ते हो, मतलब प्राउड जो है एक नेशनल लेवल पे बोल सकते जो गोवा में ज़्यादातर होते नहीं है, पावर लिफ्टिंग देखा जाए तो मेल डोमिनेट बोलते, आपने फीमेल डोमिनेट करके दिखाया, तो अब जो हमारे फीमेल्स है या फिर लेडीज़ है उनके लिए क्या मोटिवेशन? उनके लिए यही है कि अगर नेशनल्स में वो लेडीज़ कर सकती है, सीएम ट्रॉफी में भी अगर लेडीज़ जीत सकती है, तो हमारी अपकमिंग जनरेशन जो अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, पीछे नहीं है कहीं से, लड़कियां ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, उनको और थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और वो लोग सब जब कर सकते हैं हम सब लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो वो लोग कर रहे हैं कोई आउट ऑफ वे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जैसे ही इंसान हैं,
वो जब कर सकते हैं, हमारे भी गोवा की सारी लड़कियां जो जो इसमें पार्ट ले रही है और थोड़े कोशिश से प्रैक्टिस से वो लोग भी कर सकते हैं। असले आमच्या वांगडा दीपा वर्मा ज्यांनी केरला वचून गोवाक रिप्रेझेंट करून दोन ब्रॉन्झ मेडल घेऊन येले असा, आणि त्यांच्या वांगडा असले त्यांच्या असोसिएशनचे मेंबर, त्यांचे म्हणणे असा जर बाकीचे करू शकता जाल्यार आम्ही किद्याक करू शकना। ह्या तेजेर घेऊन हांव तुमकां सांगता की त्याच्याकडसून मोटिवेशन घ्या, फुडें सरा, असोसिएशन असा, गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट मागा आणि गोवाक नॅशनल लेवल म्हणिना किंवा इंटरनॅशनल लेवल म्हणिना त्या हेजेर रिप्रेझेंट करा। पयत रावा प्रायम।